गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेज. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी आवर इंग्लिश रीडर हनीडो बुक्स फिफ्थ चैप्टर द समिट विद इन क्वेश्चन पेज 80. लेट्स सी. हम प्रेजेंट चेक फर्स्ट क्वेश्चन है. स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वॉज. एवरेस्ट पर चढ़ते समय लेखक था. इसके ये हैं आपके अल्टरनेटिव क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लिखना है ओवरजॉयड, वेरी सैड, जुबिलियंट एंड सैड. चूज द राइट आइटम. जिनमें से सही जो आंसर है आपको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जुबिलियंट एंड सैड. ओके. क्वेश्चन सेकेंड है द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वाज वन ऑफ विक्ट्री ओवर हर्डल्स, ह्यूमिलिटी एंड ए सेंस ऑफ स्मॉलनेस, ग्रेटनेस एंड सेल्फ इम्पोर्टेंट, जॉय ऑफ डिस्कवरी. चूज द राइट आइटम. आंसर है इसका करेक्ट आंसर है द इमोशन दैट ग्रेप्ड हिम वाज वन ऑफ. वह भावना जिसने उस लेखक को क्या कर लिया, अपने अंदर जकड़ लिया, तो कौन सी थी, ह्यूमिलिटी मतलब मिलनसार की भावना एंड ए सेंस ऑफ स्मॉलनेस और सूक्ष्मता का भाव. ओके. क्वेश्चन नंबर थर्ड द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू. माइंड मस्तिष्क का जो शिखर है वो किससे संबंधित है, लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर होगा. ओके. इसके बाद आपको टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस करने हैं. टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 8 क्वेश्चंस करने हैं. यहाँ तक बस इतना ही वर्क आपका होना चाहिए इस नोटबुक में. क्वेश्चन फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द थ्री क्वालिटीज दैट प्लेड ए मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइंब. किन तीन गुणों ने लेखक के पर्वतारोहण में प्रमुख भूमिका अदा की थी. कि लेखक के अंदर वे तीन कौन कौन से गुण थे जिसके कारण वह पर्वतारोहण में सक्सेस हुआ था. आंसर द थ्री क्वालिटीज आर, वे तीन क्वालिटी हैं एंड्योरेंस साहस, प्रसिस्टेंस दृढ़ता एंड विल पावर इच्छा शक्ति. ओके. क्वेश्चन सेकेंड, वाई इज एडवेंचर विच इज रिस्की आल्सो प्लीजरेबल. साहसपूर्ण कार्य जो खतरनाक होता है आनंद प्रदाय भी क्यों होता है. देखिए साहसपूर्ण कार्य खतरनाक भी होता है लेकिन इसके बाद भी वह आनंद प्रदायी क्यों होता है. तो आंसर है इसका, आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड एन एडवेंचर इट बिकम्स एन एवरीथिंग जॉय जस्ट लाइक द विक्ट्री ऑफ ए बैटल. कि जब कोई साहसपूर्ण कार्य किया जाता है तो यह हमेशा के लिए आनंद प्रदान करने वाला बन जाता है, जैसे कि किसी युद्ध में विजय प्राप्त की हो. क्वेश्चन थर्ड, व्हाट वाज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इरेसिस्टिबल. एवरेस्ट पर्वत से संबंधित कौन सी बात लेखक को निर्बाधक लगी. आंसर, इट वाज दैट माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट एंड माइटेस्ट माउंटेन एंड सेवरल माउंटेनियर्स रिमेंड अनसक्सेसफुल टू कॉन्क्वेस्ट ऑन इट. जो माउंट एवरेस्ट है वह सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई के कारण अनेक पर्वतारोही इस पर चढ़ने में, इस पर विजय प्राप्त करने में असफल रहे हैं. क्वेश्चन नंबर फोर है, वन डज नॉट डू इट क्लाइंब ए हाई पिक और फेम अलोन, व्हाट डज वन डू इट फॉर रियली. कोई भी आदमी केवल ख्याति मीन्स प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए ऊंचे शिखर का आरोहण ऊंचे पर्वत पर नहीं चढ़ता है, वस्तुतः फिर भी वह ऐसा किस कारण से करता है. आंसर, इट इज फॉर द प्लेजर थ्रिल एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट दैट अट्रैक्ट्स ए पर्सन टू क्लाइंबिंग. यह एक आनंद प्रदायक होता है, थ्रिल रोमांचक होता है, एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट और उपलब्धि का भाव होता है. दैट अट्रैक्ट्स ए पर्सन टू क्लाइंब, जो एक व्यक्ति को चढ़ने के लिए आकर्षित करता है. क्वेश्चन फाइव है, ही बिकेम्स कंसियस इन ए स्पेशल मैन मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स. दिस अवेयरनेस डेफिनेस एंड इमोशन मैंसनड इन द फर्स्ट पैराग्राफ विच इज द इमोशन. वह एक विशेष तरीके से इस विस्तृत ब्रह्मांड में अपनी सूक्ष्मता के प्रति जागरूक हो जाता है,
यह जागरूकता प्रथम पैराग्राफ में आई एक भावना को परिभाषित करती है। यह भावना कौन सी है? देखिए ये लाइंस आपके जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आई है, और उसमें आपको एक सेंस शो हुआ है, तो वह सेंस किसका है? दैट इमोशन इज ह्यूमिलिटी। और वह भावना किसकी है? ह्यूमिलिटी मीन्स मिलनसारिता की भावना है। क्वेश्चन सिक्स है, व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ रेवरेंस लेफ्ट बाई मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट। देखिए जब हमने चैप्टर रीड किया तो उसमें देखा था कि अभियान दल के जो सदस्य थे सभी जो एवरेस्ट पर गए थे उन्होंने श्रद्धा स्वरूप वहाँ पे कौन कौन से प्रतीक चिन्ह छोड़े थे। तो देखिए जो लेखक था उसने छोड़ा था पिक्चर ऑफ गुरु नानक, सेकेंड है पिक्चर ऑफ गणेश दुर्गा, उसमें से एक पर्वतारोही था उसने दुर्गा जो देवी दुर्गा है उनकी एक तस्वीर छोड़ी थी, और थर्ड है रिलिक ऑफ लॉर्ड बुद्ध, भगवान बुद्ध के एक स्मृति चिन्ह छोड़ा था, और फोर है क्रॉस छोड़ा था, क्रॉस एक कांच का बना हुआ होता है। सेवन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्ट टीच हिम। लेखक के अनुसार एक पर्वतारोही के रूप में उसके अनुभव ने उसको क्या शिक्षा प्रदान की? आंसर है हिज एक्सपीरियंस टॉट हिम टू फेस द डिफिकल्टीज बोल्डली एंड करेजियसली विद फुल डिटर्मिनेशन एंड पॉजिटिव आउटलुक। हिज एक्सपीरियंस उसके अनुभव ने टॉट हिम उसको सिखाया टू फेस सामना करना द डिफिकल्टी परेशानियों का बोल्डली साहस से एंड करेजियसली वीरता साहस और वीरता से विद फुल डिटर्मिनेशन पूरे दृढ़ निश्चय के साथ में एंड पॉजिटिव आउटलुक और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में। तो इसका होगा कि उसके अनुभव ने सभी परेशानियों का पूरी दृढ़ता से साथ में और सकारात्मक दृष्टिकोण से साहस और वीरता के साथ सामना करना सिखाया था। तो स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं, इसमें आपको कंप्रेशन चेक के जो क्वेश्चन हैं वो करने हैं, और टेक्स्ट बुक क्वेश्चन के फर्स्ट के जो 8 क्वेश्चन तक आपको यहाँ तक करने हैं, और जितना आपको रीड करवाया गया है उतना आप लर्न करते रहें, अपनी प्रिपरेशन रखें, कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।